नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन छोटे बुधवार में हम एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करते हैं जिसने भारी गिरावट देखी, जो आज का टॉप लूजर रहा। इस स्टॉक का विश्लेषण हम केवल 2 मिनट में कर लेते हैं। चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं आज का टॉप लूजर। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है, तो आज का टॉप लूजर रहा एशियन पेंट्स, जिसने करीब करीब 2% की गिरावट देखी। परंतु एशियन पेंट्स की चर्चा हमने कल ही करी थी, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एशियन पेंट की चर्चा करी थी। चलिए मैं आपको जल्दी से वो वीडियो दिखा देता हूँ। तो कल हमने बाइगॉन बुधवार में एशियन पेंट्स का विश्लेषण किया था, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एशियन पेंट में आगे क्या करना चाहिए। तो इसलिए एशियन पेंट्स पे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं कि आज का दूसरा सबसे बड़ा गिरने वाला स्टॉक कौन सा था। तो अदानी एंटरप्राइज ने भी एक भारी गिरावट देखी, तो चलिए अदानी एंटरप्राइज का विश्लेषण कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदानी एंटरप्राइज का चार्ट खोला हुआ है, तो अदानी एंटरप्राइज पे कोई खास चाल बनती दिख नहीं रही है। तो चलिए जल्दी से मासिक चार्ट को देख लेते हैं। तो मासिक चार्ट में कुछ दिख नहीं रहा है, पहले एक अप ट्रेंड था, फिर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर अभी अप ट्रेंड है। लेकिन अगर हम ये वाली चाल को देखें तो ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन है या डाउन ट्रेंड है, समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए साप्ताहिक चार्ट को देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में तो ऐसा लग रहा है ये कंसोलिडेशन ही है। तो चलिए दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो दैनिक चार्ट में ये कंसोलिडेशन क्लियरली दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मैंने, चलिए इस आकृति को हटा देते हैं, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट की रेखा बनाई हुई है। आज की कैंडल तो अच्छी नहीं बनी है, तो आज अदानी पोर्ट ने करीब 1.25% की गिरावट देखी। वॉल्यूम कुछ अच्छी नहीं थी, वॉल्यूम कम ही थी, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ये सपोर्ट के निकट है। परंतु अगर आप ये देखें तो एक ये छोटे से सपोर्ट के बिल्कुल ही पास में है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये सपोर्ट को ब्रेक करके बड़े वाले सपोर्ट के पास जाएगा, कि यहाँ से सपोर्ट से बाउंस करके ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा भी तो यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी है, तो इस स्टॉक में अभी तो कुछ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी सपोर्ट और बड़ी रेजिस्टेंस से दूर है। अगर आने वाले समय में ये बड़ी सपोर्ट के पास आ जाता है और वहां से एक अच्छा बाउंस मिलता है, तो आप इसको इस रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड कर सकते हैं, परंतु अभी तो इसमें कुछ करना नहीं चाहिए। तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस स्टॉक में कुछ काम करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए। नीचे कमेंट लिख के मेरे को बताइए कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।